नमस्ते। तो कैसे मजे में? सो आज हम बात करने वाले हैं एक अगेन स्टेमिना के बारे में बात करने वाले हैं। और इसमें इस वीडियो में मैं तुम्हें सबसे पहले तो कुछ क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूँ, और उसके बाद एंड में एक बहुत बड़ी टिप देने वाला हूँ, बहुत बड़ी, जो कि किसी इंसान के लिए बहुत बड़ी, बहुत अच्छा काम कर सकती है। ठीक है, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल चीज़ बताऊँगा। ठीक है, तो उसको देखो एंड तक। ठीक है, तो पहले का एक क्वेश्चन है कि मुझे अपना नाम लेने में प्रॉब्लम आती है। जब मैं घर पे नाम लेता हूँ तो ठीक है, लेकिन बाहर में किसी और बंदे के सामने नाम लेता हूँ अपना, तो मैं नाम अपना बोल नहीं पाता हूँ। जैसे मैं घर में किसी से बात कर रहा हूँ तो ठीक है, प्यार से बात कर पाता हूँ, लेकिन जब बाहर में किसी और इंसान से बात करता हूँ तो क्या होता है, मैं अपना नाम नहीं ले पाता हूँ। ठीक है, तो दिक्कत क्या है, वो अपना नाम नहीं ले पाता है, मतलब वो हेजिटेट करता है। क्या प्रॉब्लम उसकी ये है, एंड वो चाहता है कि यार मैं अपना नाम प्रॉपरली ले पाऊँ। ठीक है, तो उस बंदे को मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा बस, कि ब्रो एक चीज़ ध्यान रख लेना अपने दिमाग में, कि जब तुम किसी और इंसान से बात करते हो ना, सबसे पहले तो ना अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल लो कि यार ये जो अनजान लोग हैं उनसे बात करना बहुत कठिन चीज़ है। सबसे इजीएस्ट टास्क होता है अनजान लोगों से बात करना, समझ रहे हैं? वो कैसे, कभी भी ना, कभी किसी एक खुद के साथ अपने अपने पास, मतलब खुद के साथ एक चीज़ करना कि कभी भी किसी इंसान से ना, कभी किसी अननोन प्लेस में जाना, ठीक है, या फिर अननोन प्लेस में नहीं तो बल्कि नॉर्मल से प्लेस में जाना, और उससे पूछना कि भैया मुझे यहाँ तक का रास्ता बता दो यार, प्लीज मुझे यहाँ जाने का रास्ता बता दो। तो देखना कितने प्यार से बात करते हैं अननोन लोग, वो तुम्हें बताना चाहते हैं। कभी बस में जा रहे हो तो बस में पूछ लो किसी से कि यार भाई मुझे यहाँ पर उतरना है, प्लीज़ यार मुझे बता देना। ठीक है, तो वो तुम्हें बताएगा, बहुत अच्छे से बात करते हैं। और तो इस चीज़ को अपना दिमाग से निकाल दो कि अननोन लोगों से बात करना बहुत कठिन चीज़ है। ठीक है, अब दूसरी चीज़, जो वो बंदा बोलता है कि मुझे नाम लेने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो उसको कैसे दूर कर सकता हूँ? ठीक है, तो मैं उसको एक चीज़ बताऊँगा कि भाई तू जब दूसरा इंसान तेरे से बात कर रहा है तो वो बंदा तेरे से हिचकिच नहीं कर रहा है, तो तुम क्यों कर रहे हो उससे बात करने में यार? मतलब वो बंदा तुम्हारे बारे में सोचता तक नहीं है कि तुम कैसे हो, तुम क्या बोल रहे हो। अगर तुमने कुछ गलती कर भी दी ना, अगला इंसान उस चीज़ को 2-3 दिन में भूल जाएगा, अगले दिन ही भूल जाएगा अगर तुमने गलती कर भी दी। मान लिया किसी इंसान ने तुम्हारा मजाक उड़ा भी दिया ना, तो अगले दिन क्या होगा, तुम्हारा वो चीज़ वो इंसान भूल जाएगा यार। क्योंकि ना एक नॉर्मल से लॉजिक वाली बात है कि इस दुनिया में ना हर एक इंसान केवल अपने बारे में सोचता है कि यार मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी। अगला जो बंदा है ना, वो भी यही सोचेगा कि यार भाई मैंने तो कुछ नहीं गलती कर दी। ठीक है, जैसे तुम सोच रहे हो, तो ये चीज़ सोचना बंद करो कि अगला इंसान क्या सोचता है। नहीं, उसके सामने नॉर्मली कॉन्फिडेंटली बात करो यार। और जो नाम लेने में प्रॉब्लम है ना, नाम लेने की प्रॉब्लम है ना, जो उसके लिए क्या करना है, नॉर्मल सा घर पे जाओ, घर पे बैठ एंड नाम ले अपना, चिल्ला चिल्ला के बात कर यार। मान लिया अक्षय नाम है तो अक्षय 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 ए पे काम कर, ए पे मैंने बताया हुआ है, ऋतिक वाली एक्सरसाइज करो, ओ आ ई ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अं अः, ओ आ ई ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अं अः, लाइक दिस। इससे तुम्हारी प्रैक्टिस किसकी होगी, ओ की। ए से कितने वर्ड होते हैं, ए फॉर अक्षय, ए फॉर आम, ए से कितना होता है, ए से अनार, जो भी नाम है यार, या फिर एक्स, ठीक है, एक्स भी ए से शुरू होता है। तो इन सारे वर्ड में नेक्स्ट टाइम से प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये चीज मैंने बताया हुआ है पहले से ही, तो इन पे काम करो। ठीक है, इस तरह से दूसरा क्वेश्चन एक और लड़की का है कि यार, लड़की कहती है कि यार जब मैं घर पे बात करती हूँ नॉर्मली तो प्यार से बात करती हूँ, और जब नहीं करती हूँ, जब मैं बाहर जाती हूँ तो वही यार मैं मुझे हिस्टेशन होता है। तो मैं उस बंदी को भी कहना चाहूंगा कि यार नॉर्मल सी चीज है, कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता अगले बंदे को, अगले इंसान को फर्क नहीं पड़ता कि वो तुम्हारे बारे में क्या, तुम क्या सोच रहे हो उसके बारे में, या फिर वो क्या तुम्हारे बारे में सोच रहा है। वो तुम्हारे बारे में बिल्कुल सोचता नहीं है, उसको फर्क नहीं पड़ता कि तुमने क्या बोला यार। तो उससे कॉन्फिडेंटली बात करो, जैसे घर पे समझते हो उसको ना, घर वाला समझ के बात करो यार। पागलबंदी करो, पागलबंदी दिखाओ कि हम, जो मैं बात करूंगा भोसड़ी का यार, मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता, मैं बात करके दिखाऊंगा इससे यार, कुछ नहीं होता। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि जब मैं बात करता हूँ तो स्टार्टिंग में स्टैमरिंग होती है, लेकिन और स्टार्टिंग कभी कभी स्टार्टिंग में स्टैमरिंग होती है, कभी कभी बीच में स्टैमरिंग हो जाती है जब बात करता हूँ। ठीक है, तो ये बंदा ये बोलता है, तो उसको भी यही बोलना चाहूंगा कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। बोलता ठीक है, उसको स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, और उसने जब
उसने मेन चीज क्या, उसने प्रैक्टिस कम की है, उसने बात करने की प्रैक्टिस कम की है, इसलिए उसको स्टैमिना होती है, वो बीच में रुकता है, कभी कभी एंड में रुकता है। ठीक है, उसके लिए नॉर्मल सी चीज बताई है मैंने पहले से ही उनको, अगेन बताऊंगा मैं कि अपनी खुद की वीडियो बना, ठीक है, वीडियो बनाए, ऑडियो बना, ठीक है, ऑडियो रिकॉर्ड कर, वीडियो रिकॉर्ड करो, एंड खुद की आवाज तुम्हारी खुद ब खुद, एक पहले दिन प्रॉब्लम आएगी, दूसरे दिन प्रॉब्लम आएगी, नेक्स्ट टाइम से कुछ दिन बाद वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी यार, लगातार बात करोगे, समझ रहे हो, ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है, खुद ब खुद इम्प्रूव होता है। पहली वीडियो में कम प्रॉब्लम आएगी, दूसरी वीडियो में और ज्यादा प्रॉब्लम, और कम प्रॉब्लम होगी, उसके बाद और कम होगी, और कम होगी, होते रहेगी, कम होते रहेगी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ये था, और चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा चीज मैं अब एक टिप देने वाला हूँ कि जो ये टिप है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार, हर एक स्टैमर के लिए यार, स्टैमरिंग वाला प्रॉब्लम बंदा उसकी बात अगला इंसान समझ क्यों नहीं पाता है। ठीक है, पहले तो उनको स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है, वो रुक रुक के बात करते हैं थोड़ा सा, इसलिए समझ नहीं पाता है पहली चीज। ठीक है, और दूसरी चीज क्या होती है, क्यों नहीं समझ पाता, क्योंकि वो इंसान साफ नहीं बोलता है। ठीक है, मैं अपना एग्जांपल बताऊं तो, मैं खुद अपनी बात बताऊं तो मेरी बात कोई समझ नहीं पाता था जब मैं बात करता था। ठीक है, अभी भी पता नहीं कितने लोग समझ नहीं पाते हैं, आई डोंट नो। ठीक है, बट जब मैं बात करता था मेरी बात कोई समझ नहीं पाता था, क्योंकि जब मैं बोलता था तो मेरी एनर्जी बहुत खत्म होती थी। कैसे, मैं बोल देता था बस, जैसे मैंने बोला ना, मैं बोल देता था मतलब मैं सोचता था कि यार अगले बंदे को समझ में आ जाएगा, लेकिन सही बताऊं तो मुझे खुद समझ में नहीं आता था कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कि और अगले बंदे को समझ में कैसे आएगा फिर वो चीज। ठीक है, तो क्या करना है, साफ बोलना स्टार्ट करो, साफ बोलना, हर एक वर्ड को क्लियर बोलना स्टार्ट करो, एनर्जी के साथ बोलोगे ना, क्योंकि ना इंसान को लगता है कि यार मैं बोल रहा हूँ जो, वो चीज़ बहुत, मतलब यार अगले इंसान को समझ में आ जाएगा, मैंने कुछ भी बोला, छोटी सी चीज़, मैं जैसे बोल रहा हूँ ना अभी लाइक दिस, मतलब बहुत फास्ट बोलते हो, तो पहले तो फास्ट बोलना कम करो। ठीक है, तो नॉर्मल से हल्के हल्के बोलो, साफ बोलो, ठीक है, चाहे लेट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। कभी किसी बड़े बड़े ना प्रोफेसर को बात करना, बात करते हुए देखना, ठीक है, वो इंसान कितने आराम से बात करता है, हल्के से बात करता है, रुक रुक के बात करता है, समझ रहे हैं, तो रुक रुक के बात करना स्टार्ट करो, आराम आराम से बात करना स्टार्ट करो, एंड जो ये प्रैक्टिस बताई मैंने अभी इस वीडियो के बीच में स्टार्टिंग में, वो प्रैक्टिस करो। ठीक है, और एक्सरसाइजेस सारी बताई हुई है मैंने, उनको कर सकते हो। ठीक है, और एक और चीज़, एक और प्रैक्टिकल करना है अपने साथ तुमको, कि अपने कान बंद करो लाइक दिस। ठीक है, एंड कान बंद करके अगर तुम्हें अपनी आवाज़ खुद अंदर ही अंदर गूंज रही है ना, कि मतलब बहुत गंदी सी आवाज़ समझ में नहीं आ रही अपनी आवाज़ ना, तो इसका मतलब तुमने अपनी आवाज़ में काम करना है, अपनी वॉइस पे काम करना है। ठीक है, तो यही चीज़ था, ये लॉजिक था कि यार जब हम लोग ऐसे बात करते हैं और हमें अपनी आवाज़ खुद समझ में, मतलब यार अपनी आवाज़ खुद अंदर ही अंदर गूंज रही है ना, इसका मतलब तुमने जब कान बंद करते हो ना, कान बंद करने के बाद क्या होना चाहिए कि तुम्हारी जो आवाज़ है बाहर जानी चाहिए, ना कि अंदर ही अंदर गूंज देनी चाहिए, समझ रहे हैं। सो इस तरह का हो जाएगा तो इसका मतलब है कि तुम्हारी आवाज़ क्लियर है, तुम्हारी वॉइस क्लियर है, एंड तुम्हें इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है, स्टैमरिंग की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एंड एंजॉय करो यार स्टार्टिंग में, और कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो इस तरह की, तो नीचे कमेंट कर दो। ठीक है, एंड लाइक कर देना, अच्छा लगा तो वीडियो, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर देना, एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यार स्टैमिना के लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, बनाते रहूँगा लगातार, क्योंकि मैं चाहता हूँ एक्चुअल में कि यार किसी इंसान को इस तरह की प्रॉब्लम ना आए, नेक्स्ट टाइम से कभी ना आए यार, किसी इंसान का मजाक ना बने यार, भैंसुदे जो भोसड़े के होते हैं ना, जिनको बात करने की बहुत ज़्यादा तमीज़ होती है, ठीक है, उनको दिखाना है कि यार नहीं हम भी कर सकते हैं यार, तुम भी कर सकते हो यार, हर एक इंसान कर सकता है, सही है, और एक्सरसाइजेस सारी की सारी करना स्टार्ट कर दो यार, कोई दिक्कत नहीं है, सही हो जाएगा सब, और टेंशन लेने की बात नहीं है यार, टेंशन लेना छोड़ो इसका, इसी बात पे टेंशन लेना छोड़ो कि यार मुझे प्रॉब्लम है इस तरह की बोलने की। ठीक है, बिना बोले भी हो सकता है यार, कोई दिक्कत नहीं है, आजकल की दुनिया में जितना कम बात करो उतना सबसे बेस्ट चीज़ है, सबसे अच्छी चीज़ है कि जितना कम बात करो, और नहीं कम बात करो मतलब ये नहीं कि तुम बोल ही नहीं सकते हो, शांत रहो, लेकिन जब बोलने पे आए तो फाड़ कर रख दो अगले इंसान की। ठीक है, सो एंजॉय, ओके बाय।